दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओटीए की सैलरी में इजाफा, फॉरेस्ट गार्ड किए जाएंगे भर्ती, सरकार इन्हें 3000 के ग्रेड पे में लाई। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के एक कैडर को पहली बार पे स्केल में लाभ मिला है। यह ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का कैडर है। मैं बता दें कि कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद वित्त विभाग ने ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी कि ओटीए की सैलरी को नए वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 5 से बढ़ाकर लेवल 8 में कर दिया है। इससे अब ओटीए 3000 ग्रेड पे वाले स्केल में आ गए हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 29,700 रुपये है। वहीं नए नियुक्त होने वाले ओटीए को हर महीने वेतन में 10,000 रुपये का फायदा होगा। इस नए स्केल को 1 सितंबर 2023 से लागू किया गया है। वहीं ओटीए की भर्ती परीक्षा हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद अब लोकसेवा आयोग के पास आ गई है और इसका शेड्यूल जारी होने वाला है। वह दूसरी तरफ वन विभाग में भी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती शुरू होने वाली है। महीने के आखिरी दो दिनों में धड़ाधड़ ट्रांसफर, मानसून सत्र खत्म होते ही कर्मचारियों में तबादलों के लिए मारामारी। जब विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होते ही कर्मचारी तबादलों को लेकर उठापटक शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने सितंबर महीने के आखिरी 10 दिनों में क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों की ट्रांसफर का अधिकार मंत्रियों को दिया हुआ है। इस कारण राज्य सचिवालय में मंगलवार को कर्मचारी तबादलों की लेकर खूब मारामारी देखी गई। वह सबसे ज्यादा भीड़ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के कार्यालय में थी। वह कांग्रेस के कई विधायक तबादलों की लिस्ट लेकर शिक्षा मंत्री के पास आ गए थे। लगभग सभी भागों में यह तय हुआ कि ट्रांसफर ऑर्डर आखिरी दो दिनों में यानी 29 और 30 सितंबर को जारी किए जाएंगे। फिलहाल लिस्ट बनाने का ही काम चल रहा है। वह उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री विधानसभा के सत्र के बाद दिल्ली गए हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी सिरमौर दौरे पर हैं, क्योंकि अभी क्लास 3 और क्लास 4 में तबादलों का अधिकार मंत्रियों के पास है, इसलिए आखिरी दो दिनों में तबादला आदेश करने के लिए मंत्री सचिवालय में मौजूद रहेंगे। अब भुंतर से अमृतसर के लिए भी हवाई सेवा, एलायंस एयर की नई उड़ान का 1 अक्टूबर से होगा आगाज। जी, प्रदेश के सबसे पुराने कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर के लिए हवाई सेवाओं में इजाफा होने वाला है। वह दिल्ली चंडीगढ़ के बाद अब अमृतसर के लिए भी अब हवाई सेवाओं का फायदा हवाई यात्रियों को मिल पाएगा। वह 1 अक्टूबर से यह नई हवाई सेवा आरंभ होने जा रही है। वह एलायंस एयर कुल्लू मनाली हवाई अड्डे से श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ान शुरू करने जा रही है। बता दें कि एयरलाइन 1 अक्टूबर से यह उड़ान संचालित करना शुरू कर देगी। यह उड़ान सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ATR 42 सीटर विमान के माध्यम से संचालित की जाएगी। छत पर तैयार हो रही 28 मेगावाट बिजली, जल्द आवंटित होंगे 131 मेगावाट क्षमता के 93 और प्रोजेक्ट। जिराज में सौर ऊर्जा में बिजली का बड़ा उत्पादन घरों की छतों पर हो रही है। इस बिजली को ग्रिड के माध्यम से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। वह मौजूदा समय में प्रदेश में सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता 58 मेगावाट है। इसमें से 38.6 मेगावाट बिजली खुले मैदानों में लाए गए प्रोजेक्ट के माध्यम से पैदा हो रही है, जबकि 20.28 मेगावाट बिजली घरों की छतों पर लगाए गए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप प्रोजेक्ट के माध्यम से तैयार की जा रही है। वहीं अब आगामी दिनों में सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 131 मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज होने वाली है। इस आंकड़े के जुड़ते ही प्रदेश में सौर ऊर्जा का कुल उत्पादन 190 मेगावाट पहुंच जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने 250 किलोवाट से 5 मेगावाट तक की क्षमता के 93 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं और इन प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू होने की संभावना है। वहीं बता दें कि हिम ऊर्जा विभाग के माध्यम से इन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। पेंटिंग स्लोगन निबंध विजेता को 5,000, स्कूलों को 30 सितंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने स्कूलों से राज्य स्तरीय पेंटिंग, स्लोगन और निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए आवेदन मांगे हैं। स्कूल प्रबंधन को इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के भाग लेने के लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह प्रतियोगिता प्रदेश वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग द्वारा मांगे गए हैं। वह उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सोमवार को सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर प्रतियोगिता के बारे में निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि सभी स्कूल प्रधानाचार्यों और हेडमास्टर तक इस सूचना को पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन सके। डिपो में 30 सितंबर तक करवा लें ई-केवाईसी, वरना ब्लॉक हो जाएगा राशन कार्ड। जिस सस्ते राशन के डिपो में उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी यानी आधार संख्या पंजीकृत करवाने के लिए मात्र 4 दिन है, यदि उपभोक्ताओं ने डिपो में ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। वह राशन कार्ड ब्लॉक होने के बाद उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिलेगा। बता दें कि आधार संख्या पंजीकृत करवाने के बाद ही फिर से उपभोक्ताओं को राशन मिलेगा। सीएम सुक्खू ने केंद्र से मांगा 12,000 करोड़ का विशेष पैकेज, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कही ये बड़ी बात।
जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को केंद्र से उनके राज्य को तुरंत एक विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया। वह अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। वह शिमला में एक आधिकारिक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए 12,000 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज मांग की और कहा कि सरकार अब तक की सबसे भीषण आपदाओं में से एक से उभरने की कोशिश कर रही है। किसान होंगे मालामाल, राज्य की आर्थिकी को भी मिलेगा लाभ, राज्यपाल का प्राकृतिक खेती पर जोर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बुधवार को कल्पा में जिला प्रशासन के साथ विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के बल पर चलती है और सरकार का संदेश जनता तक अधिकारियों के माध्यम से ही जाता है, क्योंकि योजनाएं सरकारी कर्मियों के माध्यम से लागू होती है, इसलिए कार्य के प्रति निष्पक्षता, ईमानदारी और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गाँव पहला गाँव है, लेकिन हमारी सीमा उसके बाद भी है। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से सूचना का आदान प्रदान तभी हो पाएगा जब लोग गांव में रह सकेंगे, इसलिए इन गांव के लिए ऐसी योजनाओं पर कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर पानी की कमी से उन्हें अवगत करवाया गया है। सुअर के मांस से होने वाले संक्रमण का खतरा होगा दूर, आईआईटी मंडी ने बनाई वैक्सीन, यह संक्रमण भी रोकेगी। जिस सुअर के मांस से होने वाले खतरनाक कृमि यानी कि परजीवी संक्रमण को रोकने के लिए आईआईटी मंडी के शोधकर्ता ने एक वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की है। इस वैक्सीन से सुअर के मांस से संबंधित होने वाले कृमि संक्रमण के साथ साथ टेपवर्म से संबंधित मिर्गी को मस्तिष्क संक्रमण को रोकने में भी सहायता मिलेगी। यह शोध स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज और बायो इंजीनियरिंग के एसोसिएटेड प्रोफेसर डॉक्टर अमित प्रसाद के नेतृत्व में किया गया है। यह टेपवर्म आमंत्रित संक्रमणों के अलावा उच्च गंभीर मस्तिष्क संक्रमण के लिए भी जिम्मेदार है, जिसे मिर्गी भी होती है। इस शोध को पंजाब के दयानंद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के वैज्ञानिकों एवं हिमाचल प्रदेश के CSIR हिमालयन बायो रिसोर्स प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया है। ओटीए की सैलरी में इजाफा, फॉरेस्ट गार्ड किए जाएंगे भर्ती, सरकार इन्हें 3,000 के ग्रेड पे में लाई। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के एक कैडर को पहली बार पे स्केल में लाभ मिला है। यह ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का कैडर है। मैं बता दूं कि कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद वित्त विभाग ने ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी कि ओटीए की सैलरी को नए वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 5 से बढ़ाकर लेवल 8 में कर दिया है। इससे अब ओटीए 3,000 ग्रेड पे वाले स्केल में आ गए हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 29,700 रुपये है। वहीं नए नियुक्त होने वाले ओटीए को हर महीने वेतन में 10,000 रुपये का फायदा होगा। इस नए स्केल को 1 सितंबर 2023 से लागू किया गया है। वहीं ओटीए की भर्ती परीक्षा हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद अब लोकसेवा आयोग के पास आ गई है और इसका शेड्यूल जारी होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग में भी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती शुरू होने वाली है। लिए में चलते हैं शाम की आखिरी खबर। इराक के अल हमदानिया शहर में बड़ा हादसा, मैरिज हॉल में आग लगने से 114 लोगों की मौत। जब इराक के उत्तरी प्रांत नीनेवे के अल हमदानिया शहर में बड़ा हादसा पेश आया है। यहां एक मैरिज हॉल में आग लगने से 114 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक घायल हो गए हैं। नीनेवे के गवर्नर नजम अल जुबोरी ने बुधवार को संवाददाताओं को यह जानकारी दी। वहीं आधिकारिक इराकी समाचार एजेंसी ने इराकी नागरिक सुरक्षा के हवाले से बताया कि प्रांतीय राजधानी मोसुल से 35 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अल हमदानिया शहर में अल हैथम विभाग हॉल में मंगलवार रात आग लग गई। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।